राजधानी शिमला में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मंगलवार शाम को लक्ष्मी नारायण मंदिर कुसुमटी से छोटा शिमला तक श्री कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्री कृष्ण के जयकारों से शहर गूंज उठा। शोभा यात्रा के दौरान कई झांकियां भी निकाली गईं। राधा कृष्ण के अलावा भोलेनाथ, गणेश जी और हनुमान जी की झांकी निकाली गई। इस दौरान महिलाएं भजन गाते हुए झांकी के साथ साथ चल रही थीं। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुसुमटी में महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही शाम तक भजन और कीर्तन का कार्यक्रम है। मंदिर को फूलों से सजाया जा चुका है। ये आज जो शोभा यात्रा श्री सनातन धर्म सभा कुमटी मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण से शुरू हुई है और आज ये छोटा शिमला में अपना जो है पूरा जो है फेरा डालकर वापिस श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कुमटी पहुंचेगी। ये परंपरा पीछे काफी लंबे समय से चलती आ रही है। पिछले कल जैसे आपको पता होगा कि छोटा शिमला से जो है वो नगर कीर्तन कुमटी मंदिर पहुंचे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पे पहुंचा था और आज उसी को दौड़ाते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कुमटी से ये शोभा यात्रा आई है। ये काफी लंबे समय से मतलब पिछले 40-50 सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। कोविड के दौरान पिछले 2 सालों में थोड़ी सी इसमें दिक्कत आई थी, उसके बाद ये पिछले 2 साल से द्वारा निरंतर ये जो शुरू हो गई है। इसके साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कुमटी में 8 तारीख से श्री मध्य भागवत महापुराण का आयोजन शुरू होगा और उसमें सभी श्राद्धु शहर के श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का जो है सुखो सुने और इस आनंद में वातावरण के साथ अपने जीवन को जो है सफल बनाएं। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।